मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव है और इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस में शहमात का खेल शुरू हो गया है। आज हम बात करेंगे ग्वालियर चंबल अंचल के रण की, जहां पर कांग्रेस ने भाजपा के खेमे में जबरदस्त सेंधमारी की है और दिग्गज भाजपा नेता स्वर्गीय देशराज सिंह के पुत्र यादवेंद्र यादव को अपने पाले में कर लिया है। कांग्रेस के नैया पार करने का जिम्मा अब यादवेंद्र के कंधों पर है। उनके जबरदस्त बैठ के चलते मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। वैसे भी इस अंचल को ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर देखा जा रहा है। इसी क्रम में कमलनाथ ने इस अंचल के बड़े पिछड़ा वर्ग का चेहरा यादवेंद्र यादव को भाजपा से कांग्रेस में शामिल कराकर बड़ा झटका दिया है। यादवेंद्र के परिवार का यहां अच्छा खासा राजनीतिक प्रभाव माना जाता है। दरअसल अशोकनगर के मुंगावली से उनके पति देशराज यादव 3 बार विधायक रह चुके हैं। वैसे गुना और अशोकनगर जिला महाराजा का प्रभाव क्षेत्र है और बीते चुनाव में यहां के 3 विधानसभा क्षेत्रों मुंगावली, बमोरी और अशोकनगर से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में तीनों ही विधायक सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। लेकिन अब कांग्रेस ने चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में यादवेंद्र यादव को कांग्रेस में शामिल कराया गया है। यादवेंद्र खुद भाजपा पर यह आरोप लगा चुके हैं कि भाजपा के कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की लगातार बेकदरी हो रही थी, जिससे वो दुखी हो गए थे। उन्होंने साफ कहा है कि सिंधिया और उसके समर्थकों के बीजेपी में आने के बाद ही समस्या पैदा हुई है। हमारे जिले के और हमारे मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता एवं हमारी जनता जनार्दन काफी समय से प्रताड़ित है, परेशान हो रही है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। ये स्थितियां कब से निर्मित हुई? जब से ये श्रीमंत सिंधिया जी और उनके जो साथी आए हैं, तब से हमारे क्षेत्र में ये समस्याएं उत्पन्न हुई। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो यादव परिवार सिंधिया का विरोधी रहा है। महाराज के कांग्रेस में रहने के बाद भी यादव परिवार चुनावी जीत हासिल करता रहा है। इसी खूबी के चलते कांग्रेस ने सिंधिया को उनके ही गढ़ में मात देने का इंतजाम कर लिया है। आपको बता दें कि अशोकनगर, गुना और शिवपुरी क्षेत्र में यादव परिवार का सामाजिक प्रभाव के साथ ही राजनीतिक प्रभाव भी है। उनके परिवार के 3 सदस्य जिला पंचायत सदस्य हैं। मां अशोकनगर जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। उनकी पत्नी और भाई जिला पंचायत सदस्य हैं। 2016 में देशराज यादव के निधन और 2020 में सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद से ही यादव परिवार पर कांग्रेस की नजर थी और लगातार कांग्रेस में शामिल करने की कोशिश में थी। कांग्रेस की ये कोशिश बीते 22 मार्च को उस समय फलीभूत हो गई, जब यादवेंद्र पूरे दलबल और गाड़ियों के काफिले के साथ बीजेपी को अलविदा बोलकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस में शामिल होते ही यादवेंद्र सीधे सिंधिया पर हमलावर हो गए और अपने पिता के भाजपा में योगदान को याद दिलाया। वैसे आपको बता दें कि यादवेंद्र यादव को कांग्रेस में लाने में मुख्य किरदार चंदेरी से कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान हैं। हालांकि दोनों परिवार के बीच राजनीतिक रेस रही है, लेकिन अब दोनों परिवार दुश्मनी छोड़ दोस्त बन गए हैं। लिहाजा यादवेंद्र यादव ने कांग्रेस का दामन थामने के बाद ग्वालियर चंबल अंचल का रण काफी रोचक हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।